माँ सरस्वती महादेव की कृपा से अच्छा रहा मेरा कंपनी ब्लॉक के तरफ से ढेर सारे शुभकामनाएं। दहेज में छोरा मांगे गाड़ी बुलेट हो। नमस्कार दोस्तों, फिर से रंजीत कुमार अमन आप लोगों के लिए तरह सा वीडियो लेकर आए हैं और आज इस चैनल पर बहुत बड़ा बवाल होगा, बहुत बड़ा शख्स से आज आप लोग को हम इस वीडियो के माध्यम से मिलाएंगे। तो आप सब इस वीडियो में बने रहें और लास्ट तक देखिए कि आखिर वह कौन सा शख्स है और जो कि अपना मधेपुरा जिला में पूरा तहलका मचाए हुए हैं सुपीरियर म्यूजिक से, जिसका नाम है कुमार नीरज। कुमार नीरज से आप लोग को रूबरू करवाएंगे आज इस वीडियो के माध्यम से। तो चलते हैं आप लोग को लेकर के कुमार नीरज जी के पास। तो हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, चलते हैं, देखते हैं, गाड़ी चला करके जा रहे हैं। तो हम गाड़ी चला करके जा रहे हैं, देख सकते हैं, और आपको हम मिलाने का कोशिश कर रहे हैं हमारे नीरज भाई जो की मधुबनी का सुपर स्टार मधेपुरा मचाए हुए हैं, देख सकते हैं। हम जा रहे हैं, गाड़ी गाड़ी लगा दिए हैं और बहुत बहुत कठिन परिश्रम करने के बाद आज हमको मिला है, देख सकते हैं, बाईपास रोड में जो कि एमजी हॉस्पिटल के सामने सामने जो कि 3 मंजिले पे जो स्टूडियो है। तो हम चलते हैं आप पर आपको लेकर के और उससे मिलाने का कोशिश करते हैं। चलते हैं, बैक कैमरा से आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलते हैं आप, हम आपको लेकर के आपको लेकर के चलते हैं और वहाँ का आपको वीडियो दिखाते हैं बैक कैमरा से। इस रूम में आइएगा, उसके बाद आप सीढ़ी से चढ़ करके आप 3 मंजिल के ऊपर भी आप जा करके उससे मिल सकते हैं। देख सकते हैं हम जा रहे हैं उसके पास और उससे हम आपको रूबरू करवाएंगे। तो आप चलिए और उससे मिलिए, मैं कुछ उससे रिजर्वेशन करते हैं जा करके। सकते हम आ गए हैं और कहाँ पर बैठे हैं और कुछ दिखाते हैं आपको। यहाँ पे है बैठा हुआ, कुछ काम कर रहे हैं, चलते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद हमारे नीरज भैया जो आप हमको मिले हैं, अमन डीजे टेंट ब्लॉक के तरफ से ढेर सारे शुभकामनाएं जो आप। नमस्ते प्रणाम, हम कुमार नीरज, आप जितने भी अमन डीजे टेंट ब्लॉक्स को देख रहे हैं आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अमन भाई के पेज को भी फॉलो करें। और आज ब्लॉगिंग्स करने आए हैं यहाँ, तो आप सभी को दिल से नमस्कार। कुमार नीरज मैथिली व अंगिका गायक के तरफ से आप इसी तरह हमारे भाषा को सपोर्ट करते रहिए, अपने भाषा को सपोर्ट करते रहिए। तो भैया जी आए हैं, बहुत अच्छा लगा। चलते हैं, कुछ सवाल पूछते हैं। तो आप कितने दिन से इस लाइन में काम कर रहे हैं? देखिए, हम इस लाइन में करीब 7 साल से, यानी मान लीजिए 2015 से ही काम करते हैं। और बाकी इस लाइन में तो सोचिए तो बहुत दिनों से है। मीडिया लाइन में यानी यूट्यूब पे काम करना स्टार्ट किए 2015 से जी। तो आपका जो शुरू का जो माहौल था, आप किस कठिनाई भरी से गुजरे हैं, तो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? देखिए, हमारा जो स्ट्रगल है वो बहुत बड़ा स्ट्रगल है। जब शुरुआत में हम सिंगिंग करना स्टार्ट किए थे तो उस समय में हमारे पास मनी प्रॉब्लम काफ़ी थी और मेरा खुद का कोई स्टूडियो नहीं था, कंपनी नहीं था, जिसके वजह से बहुत सारे स्टूडियो में गए जहाँ ठकाई, मतलब वहाँ पर सिर्फ फ्रॉडगिरी ही होता था। और बहुत ऐसे कंपनी में भी गए जहाँ जो सपोर्ट किया ही नहीं। और इस वजह से उसके बाद हमने 15 के बाद यानी 18-19 में जो है हम अपना स्टूडियो खुद डाले अपने मधेपुरा में जी, और अपना कंपनी भी स्टार्ट किए। माँ सरस्वती महादेव की कृपा से अच्छा रहा मेरा कंपनी, अच्छा बढ़ तुरंत ग्रोथ हो गया 1 साल के अंदर और काफ़ी अच्छा चलने लगा, मेरा गाना भी अच्छा चलने लगा। तो आप सबों का आशीर्वाद रहा जो हम यहाँ तक हैं, और आगे भी आप अपना प्यार बनाए रखिए ताकि अपना आपका बेटा आपका भाई
इसी तरह अपने अंगिका भाषा को, मैथिली भाषा को आगे बढ़ाते रहे, बस यही कहेंगे। और स्ट्रगल हर इंसान के, जो भी इंसान इस लाइन में आगे है तो स्ट्रगल का उसका बहुत ही बड़ा लंबा कहानी है। सही बात कर रहे हैं नीरज भाई। तो आप लोग सुन चुके हैं हमारे नीरज भाई से, बिना स्ट्रगल किए हुए, बिना मेहनत किए हुए आप किसी भी मंजिल तक नहीं जा सकते हैं। और आपके पास अगर वह क्षमता है तो सबसे पहले अपना जो स्ट्रगल है उस पर टिके रहना, अपना जो काम करने का एक रास्ता है उसको कभी ना छोड़ना, एक लक्ष्य बना करके ही आदमी को काम करना चाहिए, तब जा करके आप नीरज भाई जैसे बन सकते हैं, जो कि आज अपना खुद का स्टूडियो ये मधेपुरा जिला में खोले हुए हैं और पूरा मधेपुरा जिला में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। मैं पूछना चाहूँगा नीरज भाई से, जो कल आपका वो गाना कौन सा है जो पहले हिट हुआ था और पहले मार्केट में बजा था? सबसे पहले मेरा गाना हिट हुआ था जब मैंने स्टूडियो अपना ओपनिंग किया था, तो एक गाना जो राइटर सचिन लिखा था, मेरा फ्रेंड है जी, तो वो गाना था, ये था, मैट्रिक पास कलके छोरा जे अब की जी जी, मांगे छे गाड़ी उतर दहेज में, छोरा मांगे गाड़ी बुलेट हो जी जी, ना 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 ना, इसी तरह इस प्रकार से था ना। बहुत अच्छा गाना है, अगर आपको अभी वो गाना करीब 8 मिलियन यानी 80 लाख व्यूज वाला गाना है वो हमारे चैनल पे, सबसे पहला गाना था हमारे चैनल का व्यूज वाला, वही गाना था। और भी गाना ढेर सारा, उसके बाद तो एक पे एक गाना आते रहा, बहुत सारा हिट गाना अपने चैनल से आया जी जी, बहुत। तो आप कुछ और दर्शक को बताना चाहेंगे? क्या कहेंगे, बस आप सबों का छोटा भाई है तो आप लोग हमारे जो भी इस चैनल के माध्यम से देखना चाहते हैं, बस यही कहना चाहेंगे, अपने भाषा को सपोर्ट करिए और मैथिली अंगिका के जितने भी कलाकार हैं उन सभी को सपोर्ट करिए, मुझे नहीं, ऐसा नहीं सिर्फ मुझे, सभी को सपोर्ट करिए ताकि अपना भाषा हर जगह बने। कोई भी अपना पहचान बनाना चाहता है तो अपने भाषा का भी पहचान बने हर जगह, पहचान होना चाहिए, बस यही कहना चाहेंगे आप सभी से जी। तो देख, आप सुन चुके हैं हमारे नीरज भाई से जो कितना इसका कठिन घड़ी रहा, किस प्रकार से अपना स्टूडियो तक का सफर तय किए, आप सुन चुके हैं किस प्रकार से स्ट्रगल रहा हमारे नीरज भाई का। अगर जो सिंगर नए इस चैनल को देख रहे हैं तो वह आइए यहाँ पर, बहुत ही अच्छा क्वालिटी में जो कि आपका गाना रिकॉर्डिंग किया जाएगा और बहुत ही नीरज भाई का बहुत बड़ा सपोर्ट रहेगा आपके ऊपर, तो किसी भी प्रकार के यहाँ पर दिक्कत नहीं है, आप आइए और बेफिक्र होकर के यहाँ पर गाना रिकॉर्ड करवाइए। तो बस इसी शब्दों के साथ मैं और क्या कहूँगा, आप लोग से विदाई लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।